Hey guys, what is up? So, मैं आ चुका हूँ आप लोगों को एक नया वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आफ्टर गेटिंग अ टैटू हाउ यू कैन वॉश योर टैटू। सो ये जो टैटू है आप लोग देख सकते हो, ये जो बाइसेप में टैटू है शिवा का, लॉर्ड शिवा का, तो ये कल हुआ था। और ये जो अभी आप देख सकते हो ये टैटू, ये आज हुआ है। तो अभी मैं दिखाऊंगा ये कैसे वॉश करे ये लॉर्ड शिवा का टैटू, आप लोग देखो। तो गाइस, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग टैटू को वॉश सिर्फ और सिर्फ जॉनसन बेबी सोप और डव साबुन से आप लोग वॉश कर सकते हो। और अगर आप लोग हील इट अगर आप लोग ले सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग उसे ही यूज करो, और विद अ सॉफ्ट टिश्यू। सो अभी जैसे मैं करूंगा, जेंटली प्रेस करूंगा, रब करूंगा टैटू को ये फोम लगाने के बाद। तो मैं जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग करना। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा हार्स आप लोग यूज कर रहे हो टैटू पे रब कर रहे हो साबुन या फिर हील इट को लगाने के बाद, ऐसा मत करना। टैटू को जैसे जैसे मैं अभी वॉश करूंगा वैसे वैसे आप लोग वॉश करना। धीरे धीरे आप लोग टैटू में सारा फोम को लगा देना। देन आपको जेंटली सर्कुलर मोशन में रब करना है। जितने भी प्लाज्मा होंगे वो जो भी स्किन के ऊपर आए हुए होंगे, और वो धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में जाएगा और हट जाएगा। तो आपको हार्ड प्रेस नहीं करना है, स्लोली प्रेस करना है जेंटली, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को सेम वॉश ऐसा ही सेम रूटीन फॉलो करना है। अगर आप लोग कर रहे हो बहुत बड़ा टैटू है तो वीक में दो बार आप लोग वॉश कर सकते हो। ऐसा बहुत ज़्यादा जब डस्ट और स्वेलिंग हो रहा हो, वो बाहर निकल रहा हो स्कैब वगैरह बन के, तो आप लोग वीक में दो टाइम कर सकते हो। उसके बाद आपका कम्प्लीटली टैटू हील हो जाएगा, तो आपको ज़रूरी उतना नहीं होगा। तो जैसे मैं जेंटली रब कर रहा हूँ विद द क्लीन हैंड गाइज, आप लोग अगर वॉश कर रहे हो अपना टैटू तो मेक श्योर दैट योर हैंड्स शुड बी क्लीन, बिकॉज टैटू के बाद आप लोगों को हाइजीन मेंटेन करना होगा, क्लीनलीनेस को भी मेंटेन करना होगा। बिकॉज टैटू के अराउंड अगर आप लोग डर्टी हैंड से ये करोगे तो एक्ने होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, एक्ने पिंपल्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोग कोशिश करो कि हैंड आपका क्लीन हो, अदरवाइज आप लोग ये ग्लव्स को यूज कर सकते हो, यूज एंड थ्रो ग्लव्स को। ये बहुत ज़्यादा मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही कम चीप रेट पे, तो यू कैन यूज दैट। नाउ अब मैं इसे रब कर चुका हूँ, तो अब मैं यूज करूंगा सॉफ्ट टिश्यू का। तो गाइज अभी इतना ज़्यादा प्रेस नहीं करना है कि आप लोगों को पूरा जितना भी प्लाज्मा वो निकल चुका होगा स्किन के बाहर वो सारा हटाना है, ऐसा नहीं है। जितना हो पाए एक दो बार सर्कुलर मोशन में कीजिए, बट अगर ज़्यादा हो आप लोग करोगे तो उसका जो स्कैप बन रहा होगा वो आप लोग कर दोगे स्किन को डैमेज। तो आप लोग मेक श्योर ऐसा ना कर रहे आप लोग। आप देख लो सॉफ्ट टिश्यू मैं ले रहा हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे इसे हटा रहा हूँ।